أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين बाज मुसलसल जाहिर होने वाली इलामतों से ये मालूम होता है कि इस मुल्क में बाज लोग फितना व फसाद फैलाने पर तुले हुए हैं और गोया उधार खाए बैठे हैं। ये उधार खाए बैठने का मुहावरा भी बड़ा दिलचस्प है। जैसे कोई किसी से पैसे ले चुका हो और ये कहे कि ये उधार है जब तक मैं तुम्हारा मकसद पूरा ना कर दूं और ये फसाद बरपा ना कर लूं, मुझ पर ये उधार है। तो अल्लाह बेहतर जानता है कि किन मानों में ये मुहावरा इन फसाद फैलाने वालों पर सादिक आता है। लेकिन जहाँ तक इलामतों का ताल्लुक है, इसमें कोई भी शक नहीं कि बहाने ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह हमारे अजीज और प्यारे महबूब वतन में फसाद बरपा कर दें। इसके बरक्स जमात अहमदिया के अफराद मर्द व जन का ये तहिया है, ये अज़्म समीम है कि हमने ये फसाद बरपा नहीं होने देना। बस ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला है और जितना लोग आपको तंग करें, दुख दें, कोशिश करें कि आपको फसाद का बहाना बनाया जाए, उतना ही ज़्यादा सब्र और अज़्म का नमूना दिखाने की ज़रूरत है। और बेदार मगज़ी के साथ, बड़ी ज़हानत के साथ इस बात को समझते हुए कि मुल्की हालात इस बात का तकाज़ा करते हैं कि इस मौके पर तारीख के संगम में जिसमें इस वक्त हम खड़े हैं, किसी कीमत पर भी फसाद ना होने दिया जाए। ये अजीब तारीख है हमारे मुल्क की और बड़ी बदकिस्मती है कि जब भी बैरूनी खतरात नुमायाँ होते हैं, बाज़ मखसूस तबकात लाजिमन मुल्क के अंदर फसाद की कोशिश करते हैं। वो मालूम हैं, वो मारूफ हैं और उनकी तारीख अनमिट हकायक के साथ लिखी गई है इस कौम की तारीख में, और सब पहचानने वाले उनको पहचानते हैं। लेकिन अजीब बदकिस्मती है कि सब धोखा खाने वाले फिर भी धोखा खा जाते हैं।
जब भी इस मुल्क में अंदरूनी फसाद बपा हुए हैं, लाजमन हमेशा कोई बैरूनी खतरा सर पे मुंडला रहा था और अंदरूनी फसादात ने उन खतरात को तकवीत दी। इसलिए हर मुहिब वतन का फर्ज है कि वो किसी कीमत पर भी इस मुल्क में फसाद ना होने दे। जब हम ये कहते हैं कि मुहिब वतन का फ़र्ज है, तो सिर्फ पाकिस्तान के अहमद ही मेरे मुखातब नहीं हैं। तमाम दुनिया के अहमदी अपने अपने मुल्क, अपने अपने वतन के मुहिब वतन हैं। और हमारा ये ईमान है और ये हमारी तालीम है कि आज दुनिया की तमाम कौमों में सबसे ज़्यादा सच्चाई और वफा के साथ अगर कोई अपने वतन से मोहब्बत करता है, जिसके ईमान में जुज़्वे ईमान बन गई है वतन की मोहब्बत, वो जमात अहमदिया के अफराद हैं। बस इस पहलू से अगर हम ज़्यादा वसी नज़र से देखें तो सारी दुनिया ही इस वक्त फसादात का शिकार है और तमाम दुनिया में बाज़ तखरीबी ताकतें जो बड़े बड़े अजीम मुल्कों से भी ताल्लुक़ रखती हैं और निस्बतन छोटे मुल्कों से भी ताल्लुक़ रखती हैं, वो बरसरे यानी पूरी तरह सरगर्म अमल हैं कि किसी तरह फसाद बरपा हो। बस कुल आलमी जमात का उसके मुकाबले पर फ़र्ज़ है कि अपने अपने वतन में हर वो ज़रिया अख्तियार करें जिसके नतीजे में फसाद दब जाए और फसाद का कोई मौका पैदा ना हो। लेकिन बहरहाल ये भी एक हकीकत है, उससे इनकार नहीं कि हमारी जमात कमज़ोर है, महदूद ताकत रखती है, महदूद असर रखती है और हमारी हर अमन की कोशिश ज़रूर नहीं कि कामयाब हो। ये तो हो सकता है कि अहमदी सब्र का इंतहा से ज़्यादा नमूना दिखाएं, लेकिन इस बात की ज़मानत फिर भी नहीं कि दुनिया में फसाद बरपा ना हो, क्योंकि जो लोग फसाद पर तुल जाते हैं वो अजीब व गरीब बहाने ढूंढते हैं। कोई माकूल बहाना ना मिले तो नामाकूल बहाना तलाश कर लेते हैं। वो भेड़ के बच्चे और भेड़िए वाला पानी पीने वाला किस्सा भी आपने सुना हुआ है, और ये किस्सा भी सुना हुआ है कि एक दफ़ा एक मर्द जो हर वक्त लड़ाई पर तुला रहता था, अपनी बीवी के हर काम में कोई ना कोई नक्श निकाल ही लेता था। कभी रोटी जल गई, कभी कच्ची रह गई रोटी, कभी नमक ज़्यादा पड़ गया, कभी मिर्च ज़्यादा हो गई, और कभी दोनों की कमी वाक़या हो गई, कभी पानी गर्म कभी चाय ठंडी। उस बेचारी को तो मुसीबत पड़ी हुई थी, हर रोज़ हर बहाने किसी न किसी बहाने वो फसाद पर तुला रहता था और उसको जुदूकूब करता था। तो एक दफ़ा उस बीवी ने खूब तैयारी की, हर चीज़ की बहुत ही ज़्यादा एहतियात की, ना नमक ज़्यादा, ना मिर्च ज़्यादा, ना कम, पानी भी मुनासिब, चाय भी मुनासिब, हर चीज़ दुरुस्त कर दी और रोटी भी बड़ी एहतियात से पकाई। तो अपने खामन के चेहरे के आसार देखने लगी, उसने बहुत कोशिश की ज़हनी तौर पे कि कोई बहाना ढूंढूं, लेकिन बहाना हाथ नहीं आया। लेकिन बहरहाल फसाद तो करना था, इरादा जो था उधार खाए बैठा था। तो उसने आखिर पर यह तरकीब इख्तियार की कि बीवी से कहा कि ओ ज़ालिम औरत, तू रोटी तो पका रही है हाथ से, तेरी कोनियाँ क्यों हिल रही हैं? और ये उठकर इस बात पर उसको मारना शुरू किया। खैर बीवी मार खा के बैठ गई, फिर जब वो दोबारा खाना खाने लगा तो उठने उसके दाढ़ी पकड़ ली और कहा, बदबख्त, तू खाना तो मुंह से खा रहा है, तेरी दाढ़ी क्यों हिल रही है? तो अहमदी ने दाढ़ी भी नहीं पकड़नी, मैं ये आपको समझा रहा हूँ, किसी अहमदी का हाथ किसी दाढ़ी पर नहीं उठेगा और किसी की इज्जत और माल और जान से नहीं खेलेगा, चाहे इंतहाई सब्र करना पड़े। हाँ, अल्लाह की तकदीर आज़ाद है, वो मालिक है, उसका हाथ अगर किसी दाढ़ी पर पड़ जाए तो कोई बाल बाकी नहीं रहने देती। इसलिए वो मालिक है, उसकी मर्जी है, जिसकी दाढ़ी को जलील करने के लिए चुने उसकी मर्जी है, उसमें हमारा कोई दखल नहीं। लेकिन वहाँ भी हमारी दुआएँ अपने दुश्मनों के हक में होनी चाहिए, ना सिर्फ सब्र करना है बल्कि उनके हक में दुआएं करनी है, क्योंकि जिस पर खुदा का गज़ब नाजिल हो उसको मिल या मीट कर देता है, तबाह करके रख देता है, ऐसी कौमों को माजी का निशान किस्सा बना दिया करता है। इसलिए हम तो रहमतुल्लिल आलमीन के ग़ुलाम हैं और रहमतुल्लिल आलमीन के ग़ुलाम रहेंगे। किसी की तबाही का हाल देखकर वक्ती
जोश और वक्ती खुशी के नारे भी बेवकूफ लोग लगाया करते हैं। हकीकत यह है कि दुख किसी का भी हो दुख ही है, और खुदा का गजब तो बहुत ही बड़ा दुख है। दुआ ये करनी चाहिए कि हम इसको पढ़ता भी ना देखें किसी पर। इसलिए आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे ग़ुलाम की हैसियत से हमें लाजमन दुआएं करनी चाहिए, और हमारी दुआओं के दो रुख होने चाहिए, एक अपने लिए और एक अपने गैर के लिए। अपने लिए ये दुआ कि हम तेरी ज़मीन में लाजमन अमन की अमन कायम रखने की कोशिश करेंगे और हर मुमकिन सब्र से काम लेंगे, मगर ऐ हमारे आका सब्र की तौफीक अगर तू ना दे तो नहीं हो सकती, मिल ही नहीं सकती किसी को। इंसान की ताकत में नहीं है कि महज अपने इरादे पर कुछ हासिल कर ले। आप लोगों में से बास को शायद ये ख्याल आए, यानी मेरे सब मुखातबीन में से जो दुनिया में कहीं भी होंगे, कि आम तौर पर तो दुनिया की तकदीर में हम इसी तरह जारी देख दुनिया की अंदर यही तकदीर जारी देख रहे हैं कि लोग जो इरादे करते हैं, जो स्कीमें बनाते हैं और दुआ नहीं भी करते, तो उनकी तदबीरों को कुछ ना कुछ फल ज़रूर लगते हैं। तो ये जमात अहमदिया को क्यों ख़ास तौर पर हर दफ़ा तदबीर के साथ दुआ की तरफ तवज्जो दिलाई जाती है? ये अहम सवाल है जिस पर मैं कुछ रोशनी अपने दूसरे मज़मून से हटकर ज़रूर डालनी चाहता हूँ। बात यह है कि अल्लाह ताला की तकदीर का इस पहलू से मैंने बड़ा गहरी नज़र से मुतालिया किया है, और मैं इस कती नतीजे पे पहुँचा हूँ कि वो लोग जो खुदा के मोमिन बंदे हैं, जो खुदा की अपनी जमात कहलाते हैं, उनके साथ अल्लाह ताला का और सलूक है, और जो लोग दुनियादार हैं जिनका खुदा से ताल्लुक नहीं उनके साथ और सलूक है। जो कट कर दुनिया के हो चुके होते हैं उनके लिए आम कानून जारी है। जो वो कोशिश करते हैं उस कोशिश में अगर हिकमत शामिल हो, मेहनत शामिल हो, तो उसको आम दुनिया के दस्तूर के मुताबिक फल लगते रहते हैं। मगर जिनको खुदा अपना बना लेता है उनकी बार बार तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करनी चाहता है, उनको बताना चाहता है कि मैं तुम्हारा हूँ और मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं हो, इसलिए उनकी आम कोशिशें भी नाकाम हो जाया करती हैं अगर वो दुआ ना करें। ऐसी कोशिशें जो दुनियादार की कोशिशें हों तो फल दे देंगी, अगर मोमिन खुदा से गाफिल हो जाए और इन्हिसार करने लगे अपनी ताकत पर, तो ये एक मुस्तकिल गहरा सबक है आपके लिए कि उसको फिर खुदा ताला उन कोशिशों को फल से महरूम कर देगा। तारीख़ इस्लाम के मुताले से भी यही सबक मिलता है, तारीख़ अहमदियत के मुताले से यही सबक मिलता है, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर आप बारीक नज़र से मुताले करें अपने हालात का, तो आप ज़रूर इसी नतीजे पर पहुँचेंगे कि आप चूँकि अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह आपके आपका अपने साथ गहरा ताल्लुक़ देखना चाहता है, इसलिए आपकी आम कोशिशों को अपने फजल के साथ इस गहरे राबते के साथ मुंसलिक कर चुका है कि वो राबता आप टूट नहीं सकता। अगर आप तोड़ेंगे तो महरूम रहेंगे किसी न किसी बरकत से। बसा औकात मैंने देखा है कि बाज़ कोशिशें बहुत अच्छी की जाती हैं, बड़ी मेहनत से की जाती हैं, अगर गफलत से दुआ से तवज्जो ज़रा हट जाए या कम हो जाए तो उल्ट नतीजे ज़ाहिर होने शुरू हो जाते हैं, और जो ही दुआ की तरफ तवज्जो मबजूल होती है वो सारी बातें ठीक बैठने लग जाती हैं। तो इसलिए जमात अहमदिया के लिए बहरहाल ज़रूरी है कि दुआ से गाफिल ना हो। आपको लाजिमन अल्लाह ताला के फजल से कामयाबी नसीब होगी, क्योंकि खुदा का ये वादा है। खुदा ताला ने जो आयात मैंने तलावत की हैं उनमें कती वादा किया है कि आखिरत जो है और आकिबत ये मुत्तकीन के लिए है, और उन्हीं लोगों को नसीब होगी। तिलक दारुल आखिरत नजलु हालिल्लज़ीना ला युरीदूना उलूवन फिल अर्ज़ वला फसादा। उन लोगों को नसीब होगी जो ज़ाती बड़ाई की खातिर दुनिया में हुकूमतों पर हाथ डालने की कोशिश नहीं करते, जो इस बात से बेनियाज हैं कि उनकी हैसियत क्या है, उनका तवक्कुल अपने रब पर होता है। वल आक़िबतु लिल्मुत्तकीन, ये एक जारी कानून है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अंजाम कार बहरहाल मुत्तकीन की फतह होती है जो अल्लाह से डरने वाले हैं। तो इस पहलू से
हमें तो किसी हुकूमत में कोई दिलचस्पी नहीं है, दुनिया के पर्दे पर किसी हुकूमत में कोई दिलचस्पी नहीं, सिर्फ एक दिलचस्पी है कि अल्लाह की हुकूमत कायम हो। हमारा ताज रिजवान यार का ताज है, हमारी बादशाहत इलाही बादशाहत है, और इस मामले में हमारा रकीब ही और कोई नहीं, तन्हा हम मैदान में हैं और किसी की ख्वाहिश ही नहीं। आप दुनिया में जितने मजहब के नाम पर कोशिशें करने वाले हैं उनका मुतालिया करके देख लें, दरअसल वो उलूव चाहते हैं, जाती बड़ाई चाहते हैं, कोई ना कोई और दुनियावी मकसद रखकर मजहब के नाम पर फसाद बर्पा करते हैं। उनके मुतल्लिक अल्लाह ताला ने इसी आयत में तजिया भी फरमा दिया कि अगर उलूव चाहोगे तो उसके नतीजे में बनी नौ इंसान की भलाई जाहिर नहीं होगी, खा वो दुनियावी मकसद हो या कोई और मकसद, उसका कोई भी नाम रख लिया जाए, अगर नीयतों में ये ख्वाहिश मौजूद है कि हम गलबा पा जाएं दूसरों के ऊपर, दूसरों के अमूर की बागडोर हमारे हाथ में आ जाए, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये नीयत इस बात की जामिन हो जाएगी कि तुम फसादी हो, क्योंकि उलूव की खातिर कोशिश करने वाले बनी नौ इंसान की भलाई नहीं किया करते, हमेशा फसाद बर्पा किया करते हैं। तो इस पहलू से जमात अहमदिया मुस्तस्ना है कुल्लियतन, क्योंकि जमात अहमदिया उलूव की ख्वाहिश ही कोई नहीं रखती, वो सिर्फ अल्लाह की रजा की ख्वाहिश रखती है, वो खुदा की हुकूमत के क्याम के लिए कोशां है, वो ये चाहती है कि किसी तरह रिजवान यार हासिल हो जाए। बस इस बातों पर, इन सिफात पर अगर आप कायम रहेंगे और पूरे सब्र और वफा के साथ कायम रहेंगे तो अल्लाह ताला की ये खुशखबरी है वलाकिबतुल मुत्तकीन, लाजिमन अंजाम कार आप फतायाब होंगे। अल्लाह ताला हमें ये फतह अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊज़ु बिल्लाह मिन शुरूर अन्फुसिना व मिन सैयाति अमालिना मन यहदिहिल्लाह फला मुदिल्ला लहु ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال العصر کی نماز کے بعد वापस आते हुए ख्वाजा अब्दुल मोमिन साहब ने तवज्जो दिलाई कि अब फिर गर्मी बहुत बढ़ गई है, बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है, तो दोबारा दुआ की तरफ तवज्जो करनी चाहिए और अहबाब जमात को तलकीन करनी चाहिए। चुनांचे मैंने उनसे कहा कि इंशाल्लाह कल खुतबे में तलकीन करूँगा, लेकिन सुबह जब बादल देखे तो मैं मुतरद्दिद हो गया। मुझे ख्याल आया कि अब अगर तलकीन की तो बाज़ कमज़ोर ईमान वालों के लिए ठोकर का मुजिब ना हो, वो अपनी बेवकूफ़ी नादानी से ये ना समझने लगें कि जमात अहमदिया इसी किस्म की दुआएं करती है, बादल देख लिए तो तलकीन कर दी और बाद में कह दिया दुआ कबूल हो गई। ये गौर करते हुए ख्याल आया कि तलकीन ना करूं, फिर खुदा ने तवज्जो इस तरफ फेरी कि ये बात भी कामिल इज्ज़ के ख़िलाफ़ है। बात यह है कि हज़ार बादल आए हुए भी बग़ैर बरसे चले जाया करते हैं, हज़ार इलामतें खुदा की रहमत की ज़ाहिर हो भी जाएं, तो अल्लाह के फजल के बग़ैर वो अमल में नहीं ढलती। इसलिए कतअ नज़र इसके कि कोई ठोकर खाता है नहीं खाता, तुम अपने खुदा से अपने मामलात साफ़ और सीधे रखो और इज्ज़त के मुकाम से ना हटो। चुनांचे मैंने इरादा किया कि लाजिमन तहरीक करूँगा, और उसके साथ ही मुझे अपना एक पुराना वाक़िया भी याद आ गया, शायद पहले भी बता चुका हूँ लेकिन है दिलचस्प। एक दफ़ा हम डलहौजी गए इस नीयत से कि बर्फ़ देखेंगे, 6-7 बच्चे थे, हज़रत मुस्लिम मऊद ने हमारे साथ एक मुरब्बी भेज दिए मुंतज़िम और हमें बर्फ़ देखने के लिए भिजवा दिया। जब हम जा रहे थे तो रस्ते में एक पुराने पहाड़ी आदमी ने जो हमारे साथ ही बस में बैठा हुआ था, उसने बातों के दौरान कहा कि आजकल मौसम ऐसा है कि बर्फ़ ज़रूर पड़ती है, बादल आ जाएँ सही बर्फ़ ज़रूर पड़ जाएगी, लेकिन अगर बादल ना होंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो अपनी नादानी में
और मैं समझता हूँ कि उस नादानी ने एक बड़ा गहरा सबक अता कर दिया, इसलिए बुरी नादानी नहीं थी। अपनी नादानी में हमने ये दुआ की कि ऐ अल्लाह मियाँ, बादल तू भेज दे, बर्फ हम आप ही बना लेंगे। और 7 दिन वहाँ ठहरे हैं, सूरज का मुंह नहीं देखा, मुसलसल बादल रहे, ओले बरसे हैं, बर्फ का एक फ्लेक नहीं गिरा। अल्लाह ताला ये बताना चाहता था कि ये बादल, ये इलामतें क्या चीज़ें हैं, मेरे दो गुलाम दर हैं, मेरे ताबे फरमान हैं, मैं हुक्म दूंगा तो कुछ करेंगे, उसके बगैर कुछ नहीं कर सकते। तो उस वक्त से एक मुस्तकिल सबक मुझे मुयसर आ गया कि असल बंदे का मुकाम ये है कि वो दुआ करे और ज़ाहरी इलामतों पर इन्हिसार ना करे। बस अब फिर हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह रहम और फजल की बारिश बरसाए, मौसम को गुरबा, खुसूसन गुरबा के लिए तब्दील कर दे। उमरा को तो फिर भी कुछ ना कुछ सहूलतें हासिल होती हैं, यहाँ रब्बा में जो मैंने जायज़ा लिया है, गुरबा के मकान की ऐसी नागुफ्ता बेहालत है कि बहुत ही ख़तरनाक हालात में वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो उनका नाम लेकर अगर दुआ करें तो शायद अमीरों को भी फ़ायदा पहुँच जाए, साथ ही वो तो पहुँचना ही है, तो अल्लाह ताला फजल फरमाए। عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر